मंदिर वहीं हम रुके थे, तो लगभग यहाँ से भी निकल पाए होंगे, 100 मीटर चल पाए होंगे। तो हमारे पास टिटनेस का इंजेक्शन पड़ा था, हमने कहा लगवा लेते भाई से, तो डॉक्टर साहब कहते बहुत आवाज़ आ रही है। तो हमारे डॉक्टर साहब ने हमें इंजेक्शन लगाया। भाई आपका नाम क्या है? रंजन विश्वास। इनका नाम है रंजन विश्वास। हाँ भाई, बहुत मेहनत कर रहे हैं और इन्होंने 1000 किलोमीटर लगभग पैदल चल लिया है और आगे भी बहुत लंबा जाना है इनको। भाई को सब्सक्राइब कर दे भाई, बहुत फॉलो। और भाई आपका नाम? फॉलो कीजिए इनको। इनका नाम आकाश है और आपका नाम? सूरज राय। सूरज राय। और आपका नाम? सिंधु रतन। सिंधु रतन। तो भाई आप देख रहे हो हमारे 4 भाई और फॉलोवर बढ़ गए, नए दोस्त। भाई को सब्सक्राइब करें भाई, बहुत अच्छा लग रहा है यार। सपोर्ट करिएगा पूरा। माता रानी की पता नहीं कैसी कृपा है, हम जहाँ निकलते हैं हमें भाई हमें सपोर्ट मिलना शुरू हो जाता है। सही बता रहे, कल तो बहुत सपोर्ट मिली, आज देखते हैं कहाँ तक कितनी मिलती है। भाई आपका नाम क्या है? प्रदीप राय। इनका नाम प्रदीप राय है। और भाई आपका नाम? मुकेश राजपूत। मुकेश राजपूत। मुकेश राजपूत। और आपका नाम? मान सिंह राजा। मान सिंह राजा। मान सिंह राजा। राजा। तो हम जा रहे थे, इसी बीच में भाई ने रोक लिया, बोला कि भाई यार आओ चाय नाश्ता कर लो उसके बाद में जाना। हमने कहा चलो देखते हैं। सुबह एक भाई ने खाना खिलाया था, उसके बाद में चाय। रास्ते में बहुत लोग मिलते हैं, खाना खिला देते हैं, चाय पिला देते हैं। कल तो मुझे ऐसे दो बजे के बाद कहाँ जाएंगे? उज्जैन के बाद सीधे बम्बई। बम्बई से सीधे अमरनाथ की यात्रा जाएंगे। घर जाना ही नहीं? घर नहीं, घर 2 साल के लिए मैंने टारगेट बनाया, 2 साल से पहले घर नहीं जाएंगे। और अगर जाना भी होगा ना तो जाना तो पड़ेगा, कि यूट्यूब चैनल है जो मोनिटाइज हुआ है, तो वो एक पासवर्ड आता है तो उसे मुझे ही मिलेगा और कोई मिलेगा नहीं। अमेरिका से आता है दिल्ली, दिल्ली से सीधे घर जाता है। कोई संकल्प लेके जा रहे क्या? संकल्प लेके पूरा वर्ल्ड घूमना है, पूरा वर्ल्ड। इसके अलावा कोई और? यानी पहले भारत घूमेंगे, उसके बाद में नंबर वन हमारा होगा रसिया। रसिया में ओ माई कौन जगह है, कब ने जान देखी होगी। ऑनलाइन रसिया कहाँ से जाए? पहले पासपोर्ट लेके। पासपोर्ट अप्लाई कर दिया है, पासपोर्ट भी अप्लाई कर दिया दोस्तों, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और रसिया में एक जगह है ओ माई कौन, वहाँ ज़्यादातर आतंकवादी रहते हैं, सबसे ठंडी जगह है। यानी कि रसिया में जो भी सबसे ठंडी जगह होती है वही है, उसके जगह पूरे देश में उसके यानी कि उसकी कहीं भी जगह ठंडी नहीं है। तो वहाँ हमारे यहाँ भारत के 4 इंसान गए हैं और मैं 5वां इंसान वहाँ मैं बनना चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं आगे कौन मिलता है, कौन भाई हेल्प करता है हमारी। तो ठीक है भाई चलते हैं। इसी बीच में मुझे भाई ने रोक लिया और भाई पूछने कहाँ जा रहे, तो हमने भाई को बताया। और भाई का नाम क्या है आपका? मेरा नाम ध्रुव साठी है। ध्रुव साठी। इनका नाम है ध्रुव साठी। और भाई आपका नाम? सुप्रकांत साठी। इनका नाम है कृष्णकांत साठी। और भाई का नाम? गौतम साठी। अच्छी बात है यार। और भाई आपका नाम? यादव राम कृपा। इनका नाम है यादव राम कृपा। हमारे एक ने हैं दोस्त हैं यादव ने फौजी एक टाइम पे हिमाचल प्रदेश में पहुंचे गए। और भाई आपका नाम? अभिषेक जैन। इनका नाम है अभिषेक जैन। और इनका यादव और दादाजी आपका नाम क्या है? राम प्रताप असाठी। इनका नाम है राम प्रताप असाठी। और ये दुकान है जो अपनी किराने की दुकान है। किराना की दुकान है। और भाई आपका नाम? हरिओम असाठी। इनका नाम यहाँ पे भाई परिवार ही हो गया। परिवार है भाई, बहुत अच्छा मिलकर लगा भाई, बता रहा हूँ। ये हमारे प्रासु भाई आ रहे हैं। और भाई आपका नाम क्या है? प्रासु। अच्छा पार्टनर, अच्छे पार्टनर। चलो यार पूरी फैमिली मिल गई, यहाँ अच्छा लगा यार, मुझे सही बता रहा हूँ। और भाई आपका नाम क्या? हमारा नाम है मोजीलाल प्रजापति। चलो अच्छी बात है यार, कहाँ जा रहे यार? दृष्टि हरदोई से चलाऊँ, दृष्टि हरदोई से लगभग मैं 2 तारीख को यूपी नहीं हरदोई जो फरुखाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है उसके पास लगभग 50 से 60 किलोमीटर आगे बढ़ी है। तो मुझे 2 तारीख को मैंने अपना सफ़र जारी किया है और यहाँ तक लगभग मैं 1100 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुका हूँ और फैमिली कर रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं अभी? तो जा रहे हैं उज्जैन। और उज्जैन से सीधे मुंबई जाएंगे, फिर वहाँ से अमरनाथ, और वहाँ से फिर मेरा अगला टूर है सीधे टूर कर लो या वो क्या नाम बोला जाता है भक्ति में जो आदमी ना, तो मैं अभी वहाँ से सीधे मेरे अगला सफ़र है सीधे अमरनाथ। भोजन वोजन वैसे भाई लोग भाई मिल जाते हैं, वही खिला देते हैं।
चलो भाई अच्छी बात है। वैसे मेरे अभी लगभग 50 किलोमीटर पहले मैं जहाँ गया था छतरपुर पहले मेरे भाई ने पूरा बैग भर दिया अभी भरा पूरा सही बता रहा हूँ शाम बता रहा हूँ घर से पैसे एक लेके नहीं चला मैं और मैं एक भी पैसे लेके नहीं चला हूँ लेकिन मुझे भगवान की कृपा से इतना मिल रहा है बढ़िया लग रहा। तो ठीक है दोस्तों अब आगे की ओर बढ़ते हैं अभी आगे कोई मंदिर पड़ेगा हनुमान जी का बहुत अच्छी किस्मत है मैं बालाजी जब से गया मुझे पिछली बार भी मैं हनुमान जी के मंदिर पर रुका था इससे पहले भी हनुमान जी के हर जहाँ भी हम रुकते हैं हनुमान जी के मंदिर पर रुकते हैं। ठीक है दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तो जय हिंद जय भारत। तो सभी भाइयों को राम राम मैं आपका अरुण सिंह कुशवाहा और मैं इस टाइम पे जा रहा हूँ सीधे महाकाल मंदिर यहाँ से अभी 500 किलोमीटर दूर है और लगभग 1100 किलोमीटर में पैदल सफल कर चुका हूँ भाई। मैं 2 तारीख को मैंने स्टार्ट किया था और आज 26 दिन हो गए पूरे तो बाबा क्या नाम उनका है यार बोलो महाकालेश्वर वो तो वहाँ है बागेश्वर धाम की कृपा से मैं यहाँ तक आ गया हूँ कभी सही सलामत। इसी बीच में हमें भाई मिले हैं अब आपका नाम क्या है? हमारा नाम है जितेंद्र यादव। इनका नाम है जितेंद्र यादव। हमारा चैनल भी है यूट्यूब चैनल जितेंद्र ब्लॉग के नाम से। अच्छा और भाई आपका नाम? श्री ओम श्री ओम। इनका नाम श्री ओम। और भाई आपका नाम? रामचंद्र यादव। इनका रामचंद्र यादव। तो भाई ने हमें सामने दुकान देख रहे हो इन्होंने हमें खाने के लिए पेटी हमने भी 2 खाई हैं 15 जो है 30 रुपये हो गए तो भाई ने दिया बोला कि यार अब खा लो जितना भी खाना तुम खा लो अब 2 पेटीज में मेरा पेट भर गया तो मैं क्या खाऊं उसमें। अच्छी बात है आपके जैसे मिलते रहे आगे हमारा सफर चलता रहेगा। और भाई आपका नाम क्या है? दुकान खोले हैं राजपूत बागेश्वर धाम से दुकान खोले वीरेंद्र। इनका नाम है वीरेंद्र राजपूत। इनकी भी ये दुकान है ये सामने आप देख रहे हो चाउमीन और फिंगर सब मिलता है। और भाई आपका नाम क्या है? इनका नाम मान सिंह है। तो ये हमारे नए दोस्त बने हैं यार जो इससे पहले आपको भी वीडियो दिखाया था वहाँ भी हमारे अच्छे दोस्त मिले थे यार। इस एरिया में सब अच्छे बंदे मिलते हैं जो भी जहाँ भी जाओ हर कोई रोक लेता है अच्छा लगता है यार। आपको तो तारीफ है यार आप तो इतने दूर से पैदल लेकर आए हो यार। तो अब हम जा रहे हैं हनुमान जी का मंदिर है आगे वहीं रुकेंगे रात रात में और कल लगभग 7 से 8 बजे का हम सफ़र फिर से अपना स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों आगे की ओर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो जय हिंद जय भारत।